तुझे इतनी देर से बोल रही हूँ, अंदर आ जा, गेट खुला है। बहरा है क्या, तुझे सुनाई नहीं देता? तेरा पैर खराब है पर तेरे कान तो ठीक है ना, तुझे सुनाई नहीं देता? इतनी देर से चिल्ला रही हूँ मैं, अंदर आ जा ये पानी देने वाले भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को नौकरी पर रख देते हैं, अंधे लूले लंगड़े। कितने पैसे हुए तेरे? हंस क्यों रहा है, बता कितने पैसे हुए? ये 32 ही दिखाने को नहीं बोला मैंने? देख मेरे पास बहुत काम है और बहुत काम फैला हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ अपने पैसे बता और ले और निकल यहाँ से। अरे तू बहरा वहरा है क्या? मैं इतनी देर से बोल ही जा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? ठीक है, कम तो नहीं है ना? अबे लंगड़े, तूने मुंह में दही जमा रखी है क्या? कुछ तो बोल। यार ये मुझसे क्या हो गया? अरे कुसुम क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सरजेश वो पानी देने वाला आया था और जाने अनजाने में मैंने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी। मैंने पता नहीं उसको क्या क्या बोल दिया, लूला लंगड़ा बहरा। मैंने उसको कई बार बोला तू बहरा है क्या, गूंगा है क्या। मैंने उसकी बहुत बेइज्जती करी। तो कुसुम इसमें इतना परेशान होने वाली बात कौन सी है? मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो सच में ही बहरा और गूंगा था और साथ में लंगड़ा भी। अच्छा ये तो तुमने बहुत गलत करा, लेकिन कुसुम चलो छोड़ो, इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है क्योंकि तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वो गूंगा बहरा और लंगड़ा है। चलो अब उसे भूल जाओ और अपना मूड सही करो, आगे से कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। पर भले ही उसको सुनाई ना दे रहा हो पर मैंने उसकी आंखों में देखा था कि मैं उसकी बेइज्जती कर रही हूँ और वो सब समझ रहा था कि मैं उसको उल्टा सीधा बोल रही हूँ। अच्छा कुसुम चलो, तुम अपनी गलती का पछतावा तो है, अब आगे से ना वो जब भी पानी लेकर आए ना तो उसके साथ ना अच्छे से बिहेव करना और अच्छे से उससे बात करना। और हाँ कुसुम, उससे माफ़ी भी मांग लेना, उसे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि कुसुम किसी से बात करने से पहले ना 10 बार सोचा करो और अपना गुस्सा कम किया करो। हाँ सरजेश आप सही कह रहे हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो कुसुम आगे से कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, और वो जब भी आएगा ना उससे माफ़ी मांगना। भले ही वो गूंगा बहरा था पर वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी दिल है। तुमने जो उसे बोला है ना, उसे भले ही सुनाई नहीं दिया हो पर उसने ना तुम्हारे फेस को देख कर सब पढ़ लिया होगा। तो प्लीज़ तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। ठीक है सरजेश, वो जब भी आएगा मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूँगा।